श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं पंडित नरेश चंद शर्मा। मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा, हम हत्यारे हाथों को कैसे पहचाने, हत्या करने वाले हाथों को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। मैं आज इस बात पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। हाथों के प्रकार के लिए सबसे पहले इस पे देखना पड़ेगा कि हाथ कलात्मक है, हाथ साधारणतया किस प्रकार का है। इस बात को हमको सबसे पहले देखना पड़ता है, वर्गाकार है, चौकाकार है, या किसी प्रकार से ज्यादा लंबाई लिए हुए, चौड़ाई लिए हुए, ये सब बातों पर हमको प्रकाश डालना पड़ता है। तब जाकर के हम हाथ के बारे में ये निर्णय करेंगे कि व्यक्ति का हाथ ये हत्यारे का हाथ है कि नहीं। तो इसमें दो प्रकार से आप विशेष रूप से जानिए कि हत्यारे का हाथ जो होगा वो या तो हाथ का आकार ऐसे होगा जैसे किसी देखने में लगेगा आपको कि राक्षस का हाथ है, बहुत लंबाई चौड़ाई कुछ अनुकूलता नहीं होगी, हाथ के पर्वत जो होंगे वो कुछ अलग ही प्रकार से होंगे, उंगलियां होंगी तो टूढ़ी मुड़ी, किसी भी प्रकार से कोई भी अनुकूलता हाथ के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। आपको देखेंगे तो हाथ में देखने से ही पता लग जाता है कि ये जो हाथ है ये किसी भी प्रकार से अनुकूलता के लिए हुए नहीं है। तो मैं आपको हाथ के विषय के बताने के बाद एक बात और भी बताने जा रहा हूं कि हाथ का जो अंगुष्ठ होगा वो भी एक प्रकार से सिंबॉलिक नहीं होगा। तो आइए हम आज के बात पर प्रकाश डालते हैं। ये देखिए, मैं एक आपको बात बता दूं, सबसे पहले जरूरी बात है कि मन बुद्धि और शरीर, मन और बुद्धि और शरीर यदि आदमी का अनुकूल नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि वो उसके अंदर कोई ना कोई खराबी है, कोई बुराई है। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए, मन बुद्धि और शरीर के लिए तीन बातें हैं। अगर हम बात करते हैं आयु की, तो ये हमारा शरीर है, ये शरीर है, और ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा है ये हमारी बुद्धि है, और यदि हम मन की बात करते हैं तो मन हमारा हृदय रेखा है। तो मन बुद्धि और शरीर तीन चीज अगर अनुकूल नहीं है, आप किसी का हाथ देख रहे हैं और उसके अंदर देख रहे हैं ये तीनों चीजें अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब इस आदमी के अंदर कोई ना कोई विसंगति है। तो आप इस पे जब देखेंगे तो इसमें देखिए क्या आपको मिलेगी। जब आपको ये मिलेगी तो आप ये वाली रेखा जब देखेंगे तो साधारण से ये रेखा जो मिलती है किसी भी व्यक्ति की बड़ी बारीक मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी। लेकिन जो हत्यारा व्यक्ति होता है उसकी हाथ की जो ये आयु रेखा है ये बहुत मोटे रूप में मिलेगी, ये मोटे रूप में मिलेगी आपको। यदि किसी व्यक्ति का साधारण रूप से भी आप यह बात देख रहे हैं और आपको ये रेखा बहुत मोटी नजर आ रही है तो आप ये समझ लीजिए इस मत आदमी के अंदर कोई भी आप रहमो कर्म की बात ना करें, ये बहुत अड़ियल किस्म का आदमी है, ये ना अपने जीवन से प्यार करता है और ना दूसरों के जीवन से प्यार करता है। तो सबसे पहले जो रेखा होगी वो रेखा मैंने आपको बताया, शरीर, इस व्यक्ति का शरीर अनुकूल नहीं होगा। और दूसरी बात करें हम मन, मन के बाद मन, और फिर हमने बात करी बुद्धि, बुद्धि और मन। अब क्या हुआ कि व्यक्ति के पास में ये रेखा है, ये रेखा है बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा पे यदि हम देखते हैं तो बुद्धि रेखा भी इसकी व्यक्ति की मिलेगी एकदम मोटी, एकदम मोटी। तो यहां पर क्या हुआ कि बुद्धि भी इसकी मोटी है। अगर इस बुद्धि से भी वे बच जाए व्यक्ति तो फिर पता लगा भाई आपका जो है बुद्धि भी नहीं है, इसका यहाँ शरीर भी अनुकूल नहीं है, और यदि हम बात कर रहे हैं इसके हृदय की तो इसकी जो हृदय रेखा है वो भी अनुकूल नहीं है, बहुत मोटी है। ये तो बात हुई कि भाई व्यक्ति में जो है एक समानता ही नहीं है, अनुकूलता नहीं है, ये किसी से क्या प्यार करेगा, ये किसी से क्या बुद्धि की बात करेगा। लेकिन मुख्य बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि हत्यारे के हाथ के लिए रेखा ऐसी के अलावा, ये तो हुई एक निर्दयी व्यक्ति की बात, लेकिन अगर मैं हत्यारे की बात करता हूं तो हत्यारे की बात यह है कि ये हुआ इसका मन,
अब मन क्या है, यदि मन चल रहा है अनुकूल और सही पर्वतों की तरफ रेखाएं जा रही है तो मन अनुकूल है, यदि सही पर्वतों की तरफ रेखाएं जा रही है। लेकिन इस व्यक्ति की रेखा अनुकूल ना हो करके और एक तरह से आपको ये लगेगा कि ये रेखा यहां से ये गई, अब इसका क्या हुआ, ये रेखा और इस रेखा के ऊपर इस रेखा का मिलान हो गया, ये दोनों रेखाएं आपस में मिल गई। इसका मतलब व्यक्ति का मन जो पर्वत जिस पर्वत तक जानी चाहिए जो रेखा वो वहां ना जाकर के, और ये मस्तिष्क रेखा से रेखा इसकी मिल गई है, तो इसका मन और इसकी बुद्धि ये दोनों बस में नहीं है। आप ये समझ लीजिए जैसे गर्म पानी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, ये मन के ऊपर यदि मस्तिष्क रेखा पूरा की पूरी मिल जाएगी, ऐसा व्यक्ति हत्यारा होता है। हत्यारा होता है, अगर हत्यारा नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का दुश्मन और कुछ भी कर जाए आपके साथ, आपको हत्या जैसे संगीन आरोप में फंसा देगा। इसके अलावा इसकी एक बहुत मोटी पहचान है, वो है कि इसका अंगूठा, इसका जो अंगूठा होगा वो यहां से ऐसे होगा जैसे कोई बॉल, बहुत मोटा। अगर अंगूठों को इस तरह से हम खड़ा करेंगे तो हाथ एकदम ये वाला हाथ यहां बॉल जैसा नजर आएगा, एकदम मोटा, और हाथ बहुत बड़ा या बहुत ठिगना, बहुत छोटा, छोटा हाथ ठिगना हाथ देखने में नजर आ जाए और बहुत बड़ा राक्षसी हाथ देखने में नजर आता है। हस्त्रे का विशेषज्ञ, कोई भगवान की कृपा भी होती है, वो हजारों हाथों से गुजरता भी है, कि वो जैसे इस हाथ को देखेगा तुरंत पहचान जाएगा कि ये एक हत्यारे का हाथ है। तो आज के विषय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि एक हत्यारे का हाथ किस प्रकार का हाथ होता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर प्रकाश डालता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।